कैसे हो आप लोग? ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव सीरीज। गाइस, बड़े दिनों बाद मैं अपनी क्रिएटिव सीरीज को लेके आ चुका हूँ आप लोग के साथ। तो गाइस, आज का हमारा टारगेट होने वाला है कुछ स्पेशल करने वाला। तो अभी तो रात हो रही है, फटाफट से कैमरा एंगल सही करते हैं और आज का टारगेट हमारा होने वाला है, मैं आप लोगों को जल्द ही बताने वाला हूँ। और भाई, मेरा महल कितना, मेंशन मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है काज कैमरा एंगल से। महल कितना खूबसूरत लग रहा है काज। अभी उतरते हैं यहाँ से भाई साहब, स्पेशल एंट्री। अब फटाफट से जाके ऊपर बेडरूम में सोते हैं अपने, और फिर अपने आलिशान बेडरूम में सो जाते हैं जाके, और फिर फटाफट से सुबह करते हैं। भाई एकदम ग्रैंड एंट्री हो रही है। भाई गेट किसने किसने खोल दिया? भाई भाई सब गेट खुला है यार, क्या मतलब है? चोर और घुस गया था क्या? चोर और ये देखो काज, इंटीरियर तो लाजवाब लग रहा है। ऊपर तो भाई डाइनिंग एरिया है। चलो भी फटाफट से सोते हैं अपने बेडरूम में। अये हाय हाय हाय, क्या बेडरूम लग रहा है गाइस। ये मैंने नया कुछ किया है, खूबसूरत लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। भाई बरामदा बरामदे का गेट खुला है, मतलब क्या है यार। चलो फटाफट से सोते हैं आलीशान बेडरूम पर। सो गए हम लोग। ऑलराइट गाइस, अगली सुबह हो चुकी है और हम वहीं से वीडियो शुरू किया था हम लोगों ने। आप आ चुके हैं अपने बालकनी पर। ओ यार, एक्सीडेंट हो गया यार, छत पर से गिर गया। ये कैसा लग रहा है गाइस? अमेजिंग लग रहा है ना। ये मेरा खुद का क्रिएशन है यार, कितना अमेजिंग लग रहा है। मैंने इसको पीछे सोफ़ा के पास से इसको बना दिया है। यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो यहाँ से आप पूरा पीछे का देख सकते हो, बाहर का कितना खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं फटाफट से ऊपर और देखते हैं ऊपर का भी। आप लोग को मैं रिमाइंड करा दूं यार, क्या मैंने बनाया है। भाई कुछ चेंजेस भी मैंने किए हैं इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं, किचन में मैंने बहुत चेंज किया है। ये मैंने बनाया है गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई यहाँ पे मशरूम बीटरूट सूप भी रखा है, किसको निकाल के पीना है पी लो। खाना बन रहा है ना भाई, आज कुक्ड मटन खाएंगे फटाफट से। इसको रख देते हैं और पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। भाई आज क्या खाया? ये मेरी जगह है, यहीं पे बैठते हैं। और कहाँ गया? ओ भाई, मेरा खाना तुम लोग ले लेते हो यार, ये सब अच्छी बात थोड़ी है। तुम लोग यार बंदे का खाना ले रहे हो, खाते हैं आज पूरा पूरा का पूरा। ये खाए खरगोश, खा गए भाई पूरा पूरा खरगोश। फटाफट से आप चलते हैं थर्ड फ्लोर पर। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि थर्ड फ्लोर पर क्या बनेगा। तो अभी मैं थर्ड फ्लोर का थोड़ा सा बना चुका हूँ, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये देखिए आप लोग, मैं अभी आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी तो हम लोग ये सारी वॉल्स स्टैंड कर लेते हैं ये सब, और आज हम लोग बनाएंगे स्टोरेज रूम एंड आर्मर रूम। क्योंकि भाई मैं एकदम नंगा घूम रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो एकदम। अब फटाफट से आज का काम भी शुरू करते हैं और फोर्थ फ्लोर पर क्या बनेगा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ वो तो नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस, आप लोग सोच ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये आप लोग को बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ये मेंशन फटाफट से इसका काम ख़त्म हो तो हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करें। तो अभी फटाफट से वॉल स्टैंड करते हैं। स्टोन ब्रिक की तो अंदर की वॉल रहती है और बाकी तो बाहर हमारा ये डार्क ओक वुड लगेगा, प्लैंक। तो अभी इसी को स्टैंड कर लेते हैं फटाफट से, और फिर डार्क ओक का बाहर वाला बना लेंगे, और फिर ग्लास भी ये सब जो जितना है ये सब को भी फिल करेंगे अभी इस ग्लास से। ग्लास पेन होता है ना, ग्लास नहीं, ग्लास पेन से हम लोग इसको फिल करते हैं। और बाकी देख लेते हैं कि ये वाली वॉल ओके गाइस। तो अभी वो डार्क ओक की ये वाली वो बनेगी प्लान, क्या ये क्या इसका नाम है यार, ये वॉल
डार्क ओक की बनेगी। तो अभी ये सब फटाफट से ये छोटा मोटा काम कर लेते हैं, बाकी अंदर का इंटीरियर करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो फटाफट से करते हैं अभी। ओके गाइस, तो ये हो चुका है हमारा। अब इसको एक एक ब्लॉक मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि भाई फिर तोड़ के करना पड़ता है, तो मैंने पहले ही से उसको उतना ही स्टैंड किया। अब इसको भर लेते हैं, हो जाएगा अपना 5 या 6 कितना है, जितना भी है हो जाएगा अपना। उसके बाद हम लोग चारों ओर कर लेंगे, फिर 4 एरिया होता है ना। अगर हम भूल गए हैं कि हमारा कितने बाग कितने का है, हमारा पूरा स्क्वायर फीट हमारी कितनी है, तो अभी वो भी हम लोग को वो करना होगा ना। सो क्या यार वो, तो ये अभी करते हैं। और 4th फ्लोर भाई अब इनफ करते हैं यार, अब इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि अब ये 3rd फ्लोर का मेंशन बहुत हो गया है। अब हम लोग कुछ लग्जरी मेंशन बनाएंगे, और एक और यही वर्ल्ड में क्रिएटिव सीरीज अभी कंटिन्यू रखना है। अभी देखिए हो चुका है, अब बस ये बीच वाली दीवार बचती है और सीलिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, और फिर छत बनाएंगे, फिर ग्लास फिल कर देंगे। ओके बाद उसके बाद हमारा सीलिंग बना, फिर उसके बाद इंटीरियर करेंगे। गाइस इंटीरियर अमेजिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दो, 20 लाइक का एम लगा रहा हूँ मैं, और फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए इसको। अब हम लोग इसको भी कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे गाइस, बस 10 मिनट की वीडियोज़ होने वाली, आज की वीडियो होने वाली है। फटाफट से इसको फिल करते हैं और मिलते हैं 2 मिनट में। लेट्स ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। हमारा काम कंप्लीट होता है, हम लोग ने सारे होल में ग्लास पेन फिल कर दिया है। अब हमारा टाइम आता है बीच में सेक्शन डिवाइड करने का, आर्मर रूम और वो स्टोरेज रूम का। तो गाइस बीच में सेक्शन डिवाइड होगा स्टोन ब्रिक का, फटाफट से करते हैं। गाइस इस वाले फ्लोर का एकदम यूनिक सेक्शन डिवाइड होने वाला है, क्योंकि स्टोरेज रूम है और आर्मर रूम है, और क्योंकि चारों ओर एरिया पर वो चाहिए वॉल, क्योंकि ये ग्लास रहेगा तो यहाँ पे आर्मर लगाएंगे तो चोर लोग जो हैं वो ग्लास तोड़ के अंदर आ जाएंगे। तो एकदम यहाँ पे पहले हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे पहले आप लोग उस गेट से आओगे, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे चलो थोड़ा सा फिर यहाँ से ये डिवाइड होगा, ये वाला आर्मर रूम रहेगा, ये वाला स्टोरेज रूम रहेगा। फटाफट से काम पर लगते हैं, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो अभी बहुत हार्ड वर्क करना है बहुत। अभी फटाफट से करके मिलते हैं, लेट्स गो गाइस। ऑलरेडी गाइस सब तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये हमारा आर्मर रूम होने वाला है, और ये हमारा भाई, लेकिन आर्मर रूम बड़ा होना चाहिए ना, नहीं स्टोरेज रूम, अगर सामान ज़्यादा हो जाएगा हम लोग के पास तो स्टोरेज रूम काम देगा। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ भाई बालकनी में घुसने का एरिया कहाँ से रहेगा। गाइस यहीं पे गेट बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आर्मर का रूम रहेगा, यहाँ पे बीच में गेट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और ये स्टोरेज रूम रहेगा, चेस्ट ही चेस्ट यहाँ पे भरे रहेंगे तो यहाँ से भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमारा काम हो चुका है, अब फटाफट से हम लोग छत बना देते हैं इसकी। आप लोग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन ऑन है अभी, आप लोग कमेंट जाके करिए फटाफट से। अब बनाते हैं हम लोग छत, लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, इतना ऑसम भाई आज तक मैंने नहीं देखा था गाइस। और ये जितना सेक्शन ऊपर से गाइस दिख रहा है कितना ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसको भी अभी पूरा वो डार्क ओक वुड में कन्वर्ट करते हैं, डार्क ओक वुड प्लैंक में कन्वर्ट करते हैं। और ऊपर से सेक्शन डिवाइड दिख रहा है कि यहाँ से रूम भाई गया है, तो कितना ऑकवर्ड लगता है, तो अभी मैं उसको भी सही कर दूँगा। और बाकी अभी लाइटिंग का भी काम रहता है नीचे वाले फ्लोर पर। और बारिश, तुमने तो मेरा जीना हराम करके रखा है यार, मैं क्या करूं, बार बार हो जाता है मुझे, बार बार वेदर क्लियर करना पड़ता है, तो ये मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझको एकदम रियल लाइफ खेलने में अच्छा लगता है।
कि मेरे हाथ में भाई सब गॉड के हाथ में। भाई ये क्या हो गया? नो, मुझको लगा कि नीचे वाला ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। अब फटाफट से बालकनी भी बनाते हैं, 3 ब्लॉक ऐसे खींच के। कितने का? 3x3x15 का हमारा होगा शायद बालकनी। तो अभी बालकनी भी बनाते हैं और अंदर लाइटिंग करते हैं, उसके बाद इंटीरियर बनाते हैं। फिर लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, सो बालकनी भी बन चुकी है। सो गाइस, अभी हम लोग लाइटिंग यहाँ पे पहले बालकनी पर लैंटेन लगा देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अभी रूम में लाइटिंग करनी है अभी, वो बहुत बहुत काम अभी रखा है गाइस। तो प्लीज़ मेरा हार्ड वर्क के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और मैं इंटीरियर अंदर इंटीरियर की लाइटिंग कर रहा हूँ। ग्लोस्टोन से होगा गाइस पूरा। पहले नीचे का देख लेते हैं कैसा है, फिर उसके बाद भाई सेम ऐसे अच्छा लगेगा ना भाई। पूरा ग्लोस्टोन है अभी। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या करना है हम लोग को। और ये कैसे होगा यार, ये पहले नीचे देखना पड़ेगा मुझको। नहीं गाइस, मुझको याद आ गया, अभी फटाफट से ग्लोस्टोन भी लगाते हैं सब जगह पे। नहीं, क्या बोल रहे हो यार, अभी ग्लोस्टोन पूरा अंदर सब जगह बाहर लॉबी में, और फिर अंदर हमारा क्या कहने उसको आर्मर रूम में, स्टोरेज रूम में, पूरे में ग्लोस्टोन लगेगा। और गाइस मैं तो भूल ही गया गाइस, 200 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझको सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि अभी बहुत माइलस्टोन करना है। फटाफट से चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को 9.0 गेमिंग को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही मज़ेदार प्रोजेक्ट के लिए। अभी अंदर भी लाइटिंग करते हैं, अंदर वाले लॉन में और बाहर वाले लॉन में लाइटिंग हो ही गई है। फटाफट से मिलते हैं 2 मिनट में। ऑल राइट गाइस, हमारा काम होता है फिनिश लाइटिंग करने का, और ये आप लोग देख सकते हो पूरा बाहर लॉबी में भी लाइटनिंग हो गई है, और यहाँ पे भी लाइटनिंग हो गई है। मैंने रूम का डोर भी बना के इसकी भी लाइटनिंग कर दी है। ये तो हमारा आर्मर रूम हो गया, और हमारे स्टोरेज रूम की भी गाइस पूरी लाइटनिंग हो चुकी है। अब फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं डोर और बनाते हैं अंदर का इंटीरियर। डार्क ओक का घर है, और डार्क ओक का भाई अब हमारा ये हो जाएगा। लेकिन बाहर वाला डोर तो भाई रैप्ड फंगस का है भाई, मैंने रैप्ड फंगस कह दिया इसको, सॉरी। अब फटाफट से इसको भी बनाते क्या यार, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो इतना बोरिंग सा लॉबी गाइस एकदम अच्छा नहीं लगता। अब अंदर भी कुछ डेकोरेशन करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। हम लोग निकाल लेंगे डेकोरेशन के लिए स्मूथ क्वार्ट्ज स्टेयर्स और पेंटिंग और फ्लावर पॉट निकाले तो फ्लावर भी निकालना ही होगा, और ब्लू और ऑर्किड निकाल लेते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि करना क्या है। पहले यहाँ पे ऐसे नहीं, ये 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 ठीक, कितना हो गया? 6 हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ऐसे उधर से क्लोज हो जाएगा। नहीं आप लोग को समझ में आया तो आप लोग ये देख सकते हो, क्लोज हो गया उधर से। अब हम लोग यहाँ पे पेंटिंग लगेगी तो पहले मैं लगा के देख लेता हूँ। यहाँ पे फ्लावर फिर लगेगा, हाँ यार यही तो चाहिए था। तो अभी फटाफट से इसको एक ब्लॉक छोड़ के इधर से भी करते हैं, एक ब्लॉक छोड़ के, हाँ एक ब्लॉक हो गया। ये वाली पेंटिंग नहीं, क्या कर रहे हैं यार भाई, एक ही पेंटिंग है क्या तुम्हारे पास? ये चाहिए ही नहीं, हटाओ। दो ऐसे छोड़ के, एक यहाँ पे, दो ऐसे छोड़ के, ये ऐसे।
गाइस एकदम अमेजिंग लग रहा है यार, यही तो चाहिए था भाई। तुम लोग कहाँ पे थे भाई? एक ब्लॉक ऊपर क्यों लग गया? इसको अभी इक्वल एकदम बराबर लगाते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लगेगा फ्लावर, क्योंकि खूबसूरती ब्यूटीफुल लगेगा। तो अभी लगाते हैं फटाफट से, हो गया। ऑल राइट गाइज, अभी फ्लावर वहाँ फोर चार पॉट है और चारों में गाइज ब्लू ऑर्किड अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी उसको हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। अभी टेम्परेरी लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग रख देंगे फाइव क्रीपर का हेड और विदर स्केलेटन का। अमेजिंग लगेगा, आप लोग देखना तो एक बार। ओ क्या ही चीज़ लग रही है। अभी और देखते हैं और क्या है हमारे पास डेकोरेशन के लिए, वो भी लगा देते हैं। और हाँ यार, सबसे बड़ी चीज़, इसको निकालो और इसको निकालो, नेदरराइट इंगट, और क्या ही चाहिए तुमको। हो गया, इसको भी यहाँ पे रख के हो गया। बस 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 यही तो चाहिए था। अब लॉबी हमारी थोड़ी सी ब्यूटीफुल हो गई। अब ये हमारा आर्मर रूम, सबसे पहली चीज़। और हम लोग यहाँ पे भाई टू फ्लोर पर रहेगा आर्मर, मतलब आप लोग नहीं समझ रहे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होगा। कि जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे रखेंगे ना भाई, लग तो गया लेकिन उतना सुंदर नहीं लगेगा। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ। एक ब्लॉक ऐसे सेमी, वन सेमी ब्लॉक इसको कहा जाता है ना, ऐसे थोड़ा रहेगा ना तो खूबसूरत ब्यूटीफुल लगेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं स्लैब क्यों लगा रहा हूँ। भाई स्लैब के ऊपर ये लगेगा, फिर इसके ऊपर आर्मर रहेगा। अब इसको लगाते हैं फटाफट से और मिल, और नहीं लगा ही देते हैं, कितनी देर लगेगी। और गाइस जो हमारा वो बचा है साइड का, ये यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ओ भाई साहब क्या ही लग रहा है भाई, इतना सही है। अब उतना कर देंगे गाइस, ओवर लगेगा। आप लोग कह रहे होगे कि यहाँ पे भी कर दें तो गाइस ओवर हो जाएगा, क्योंकि इतना कपड़ा भी किसी के पास नहीं रहता है इसलिए। तो गाइस थोड़ा सा रियलिटी हम लोग खेल लें ना। अभी कारपेट एकदम लास्ट में लगाएंगे, एकदम लास्ट में। अभी हम लोग स्टोरेज रूम का भी बैरल और चेस्ट रख दें उसमें, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो अभी निकाल लेते हैं चेस्ट और बैरल, क्योंकि यही दोनों चीज़ होता है। निकालते हैं बैरल, बैरल ये है हाँ। अब अरे यार मेन चीज़ स्लैब, ये वाला स्लैब, इसको ऐसे यहाँ से हो गया गाइस, यही तो चाहिए यार। इस पर रखते हैं चेस्ट, ये क्या हो गया यार, ये अमेजिंग नहीं लग रहा। यहाँ पे रहेगा गाइस टू फ्लोर का, कितना अमेजिंग लगेगा ना भाई, इतना आइटम किसी के पास नहीं रहता। गाइस अब हम लोग पूरे में चेस्ट में गाइस इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, गाइस ये ओपन नहीं होगा ना, देख लेते हैं एक बार। गाइस ओपन हो गया यार, ग्लू स्टोन में घुस जाता है। अमेजिंग यार, ऑसम ऑसम। अब लग रहा है तम अमेजिंग। अब बैरल हम लोग बैरल कहाँ लगेगा,
भाई साइड में लगा देते हैं बैरल। गाइस पूरे में बैरल ही होना चाहिए, क्योंकि बैरल तो ऐसे ऐसे अलमीरा की तरह खोलता है ना, तो ओपन होता है अलमीरा की तरह, तो गाइस बैरल ही लगा देते तो सही रहता। लेकिन चेस्ट गाइस लुक भी तो चाहिए ना भाई साहब को। ऑल राइट गाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, कुछ नहीं बोलना है, अमेजिंग। अब लगाते हैं कारपेट भाई अपनी पुरानी थीम का। जिसको हमारी पुरानी थीम नहीं पता है भाई, वो शुरुआत वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लिया था। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, नीचे वाले में जैसा लगा, नीचे फ्लोर में जैसा लगा है उसी टाइप का लगेगा। अरे यार तुम भी ना क्या कमाल ही करते हो यार, फटाफट से। अब हम लोग मिलते हैं 2 मिनट, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर का हो गया है, अब स्टोरेज रूम का हो गया है। अभी हम लोग करते हैं थोड़ा सा अपने आर्मर रूम का, सेम थीम का होगा, तो फटाफट से मैं आप लोगों को 2 मिनट में लगा के मिलता हूँ, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हमारा काम हो चुका है गाइस। ओ भाई साहब, भाई अमेजिंग अमेजिंग भाई, ये मेरा क्लिक हो गया गाइस, पूरा टूट गया यार, सैड सैड सैड। अब गाइस, अरे तुम भी तुम गिर गए ऊपर से, तुमको भी अब फिर से लगाना पड़ेगा यार। फालतू यार, फिर से करना पड़ा। तो गाइस हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है, और आप लोग का काम अभी तो शुरू हुआ है। फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऑलराइट गाइस, तो आज का हमारा टारगेट यही था, हमको आर्मर रूम बनाना था और स्टोरेज रूम बनाना। तो गाइस हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड।